आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाटी। सिलसिला बाजारों का मैं आपके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं। यहां पे कम्युनिटी बाजार का अपडेट जानेंगे कि आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन कम्युनिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है सुबह के कारोबारी सत्र में, और उस पर रूपा मेहता की क्या राय है। रूपा जी, सबसे पहले आपसे बिनौला खल के ऊपर बात करना चाहूंगा। हमने बिनौला खल को बीते दो ट्रेडिंग सेशन से देखा है कि 2800 के ऊपर सस्टेन होकर चल रहा था, और आज देख रहे हैं कि बिनौला खल का जनवरी वायदा 2914 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, 1.25% की तेजी है। रूपा जी, आपका जो टारगेट था 2900 का, वो आज हिट होता नजर आ रहा है, अचीव होता नजर आ चुका है। आपको यहां से क्या लगता है, क्या अगले कारोबारी सप्ताह बिनौला खल में ऊपरी स्तर से मुनाफा वसूली बनेगी या फिर सस्टेनेबिलिटी देखने के मिलेगी और 3000 का भी टारगेट आपका अचीव हो जाएगा? देखिए, मुनाफा वसूली तो बाजार में देखने को मिल सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो बाजार का ट्रेंड है, ऊपर नीचे मार्केट करता है, लेकिन ट्रेंड पॉजिटिव है। अभी जनवरी वायदा हम देख रहे हैं कि 3000 तक ऊपर जा सकता है, वो आज में हो सकता है ये लेवल देखने को मिले आपको हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन, या जब अगले हफ्ते की शुरुआत हो तब वहां पर आपको 3000 से 3200 तक भी ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अब वापसी से तेजी आ चुकी है कॉटन में भी और बिनौला खल में भी, तो यहाँ से काफी पॉजिटिव मोमेंटम फिलहाल के लिए बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 3000 के आसपास एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहें तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, अदरवाइज पोजिशन को होल्ड भी कर सकते हैं, लेकिन डाउन साइड वहां से फिर 2800 तक नीचे आ सकता है। लेकिन ट्रेंड पॉजिटिव है, 3000 से लेकर 3200 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं जी। ये सर जी, बात करें अगर कैश की, तो कैश का जनवरी वादा देख रहे हैं 6200 के ऊपर ट्रेड करता नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है, क्या कैश में फिर से एक रेंज देखने को मिलेगी यहाँ से, या फिर यहाँ से कीमतें और नीचे जाएंगी? देखिए, कैस्टर में एज यूजुअल वही रेंज अभी बनी हुई है, 6100 से लेकर 6500 की रेंज है, और इसी रेंज में फिलहाल बाजार घूमता हुआ दिखाई दे सकता है, कोई बहुत ज्यादा अभी मूवमेंट एक्सपेक्टेड नहीं है जी। ये सर जी, बात करें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो ग्वार में हमने हाल ही में तेजी आते देखी और काफी ठीक ठाक तेजी देखने को मिली है। वहीं से बात करें अगर आज की, तो हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन देख रहे हैं कि ग्वार गम का जनवरी वादा 11680 का ही लगा चुका है, 2% की तेजी है, और ग्वार सील का जनवरी वादा 6262 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, 6306 का ही लगा चुका है 1% की तेजी के साथ। रूपा जी, देख रहे हैं कि ग्वार गम और ग्वार सील की जो तेजी है वो अभी आज लगातार तीसरे चौथे ट्रेडिंग सेशन में आज भी जारी है, कायम है। आपको क्या लगता है, क्या आने वाला कारोबारी सप्ताह भी ग्वार गम की और ग्वार सीर की कीमतों के लिए तेजी भरा रहेगा? देखिए, अभी ग्वार में डेफिनेटली पॉजिटिव मोमेंटम बना और वापस से एक बार खरीदारी लौटी और ये खरीदारी अभी कंटिन्यूशन में रह सकती है, और अभी जो लेवल एक्सपेक्टेड है वो 12,000-12,500 तक ग्वार ऊपर में जा सकता है। गम और वहीं सीट की बात करें तो 6500 तक सीध भी जनवरी वायदा देखने को मिल सकता है, तो फिलहाल पॉजिटिव रुझान है और आगे तेजी बनी रह सकती है। नेक्स्ट वीक में भी पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है, एक छोटी मोटी करेक्शन आ सकती है, उस करेक्शन के बाद वापिस से तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है जी। ये सर जी, बात करेंगे मसालों की, तो मसालों में देख रहे हैं कि जीरे का जनवरी वायदा 16300 के ऊपर है और दिसंबर वायदा 16100 के ऊपर, लेकिन धनिया में देख रहे हैं 8700 के ऊपर सस्टेनेबिलिटी तो है लेकिन तेजी देखने को नहीं मिल रही है, और हल्दी भी एक रेंज में देखने को मिल रही है। आपको क्या लगता है, मसालों में अभी हाल फिलहाल में कैसे रुझान रह सकता है? देखिए, मसालों में अखिलेश हल्दी और धनिया में तेजी का ही रुझान है। आप देखिए, हल्दी जो कल हम देख रहे थे 8800 के आसपास थी अप्रैल वायदा, आज वो 9000 के ऊपर निकल चुकी है। कल ही हमने अच्छी रैली आते हुए देख ली थी, लेकिन अभी भी मार्केट पॉजिटिव है और अभी यहाँ से 9000 के ऊपर सस्टेनेबिलिटी इसको 9500 तक ले जा सकती है। तो हल्दी और धनिया, ये दो कमोडिटीज मसालों के अंदर तेजी की तरफ जा सकते हैं। धनिया भी जनवरी वायदा अभी सस्टेन कर रहा है 8500 के ऊपर, लेकिन जैसे ही 9000 के ऊपर निकलेगा तो वापिस लंबी तेजी में जा सकता है, और अभी फिलहाल के लिए 9000 का टारगेट धनिया में भी लेकर चल सकते हैं। लेकिन जीरे में कोई तेजी की बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है, जीरा 16500 तक एक बार अपसाइड पकड़ सकता है जी। ये सर जी, बात करें अगर सोयाबीन की, तो सोयाबीन में खबरें निकल के सामने आ रही है कि जो क्रशिंग है ओवरऑल ग्लोबली सोयाबीन की, वो थोड़ी कम देखने को मिल रही है, और ओवरसीज में यानी कि विदेशों में भी अब कुछ तेल तिलन बाजार में कुछ दिनों की गिरावट के बाद अब कोई हल्की सी तेजी बनी है, तो आपको क्या लगता है इसका असर आने वाले कारोबारी सप्ताह में सोयाबीन की कीमतों पर कितना पड़ता नजर आ सकता है?
देखिए अभी सोयाबीन में भी तेजी का ही रुझान है, आज हल्की करेक्शन देखने को मिल रही है और प्राइसेस जो है वो ऊपर जा सकते हैं और सोयाबीन जो है अपसाइड में एक बार 6500 के आसपास सस्टेन कर सकता है, नीचे में 6200 तो ऊपर में 6500 का स्तर देखने को मिल सकता है जी। ये सर रूपा जी बात करें अगर मेहनता की तो मेहनता में काफी ज्यादा सवाल आ रहे हैं हमारे पास कि शिव कुमार जी हम जानना चाह रहे हैं मेहनता ऑयल पर रूपा जी की क्या राय है। देखिए मेहनता ऑयल पर मेरी राय पॉजिटिव बहुत ज्यादा नहीं है, मैंने पहले भी बोला कि 980 तक मैक्सिमम अपसाइड है, मुझे लगता है कि अगर इंटैक्ट हो जाता है और 1000 के ऊपर निकलता है तब सस्टेन होना चाहिए वहां पर, तब तेजी बनती हुई दिखाई देगी। ओवरऑल ट्रेंड मुझे बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं दिखाई देता है, मेरे हिसाब से ये रेंज में रह सकता है मेहनता ऑयल, नीचे में 940 से 920 की रेंज है और ऊपर में 980, फिलहाल ये रेंज बनती हुई दिखाई दे सकती है और इसी रेंज के दरमियान मुझे लगता है कि इसके प्राइजेस जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। और अभी मार्केट जो है आप देखिए अभी इसी लेवल पर कारोबार करती हुई दिखाई दे रही है, 980 के आसपास है, आज थोड़ा पॉजिटिव है, 980 मैक्सिमम अपसाइड 1000 तक हो सकता है कि मेहनता में देखने को मिले, इससे ज्यादा तेजी मुझे नहीं दिखाई देती जी। रूपा जी बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं जिनका सवाल लगा था ग्वार सीड को लेकर आ रहा है, ये सब जानना चाह रहे हैं कि क्या ग्वार सीड आने वाले दिनों में जिस हिसाब से अब तेजी दिखलाता नजर आ रहा है तो क्या 7000 के भी लेवल्स टच कर सकता है? देखिए बिल्कुल कर सकता है, 7000 के लेवल्स एक्सपेक्टेड है, अगर इसी तरीके से मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम रहा तो तेजी बन सकती है और क्रूड भी पॉजिटिव रहा तो आगे आने वाले दिनों में ग्वार में एक अच्छा रैली जो है वो बन सकता है और 7000 का स्तर बिल्कुल संभव है, ग्वार सीड जनवरी वायदा में देखने को मिल सकता है, जनवरी नहीं तो फरवरी में एक्सपेक्ट किया जा सकता है जी। रूपा जी मोनू जैन जी जुड़े हुए हैं जिनका सवाल सरसों को लेकर आ रहा है, इनका सवाल है सरसों का भाव क्या रह सकता है, अब भी लगभग 2 महीने बाकी है तो इसमें कितनी बढ़ोतरी हो सकती है? देखिए सरसों में फिलहाल बहुत ज्यादा बढ़ोतरी की उम्मीद नहीं है, करंट लेवल से हम मान के चलिए 2-4% का अपसाइड मोमेंटम बन सकता है, इससे ज्यादा फिलहाल बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है जी। रूपा जी सुरेंद्र जी जुड़े हैं जिनका सवाल कॉटन को लेकर आ रहा है, कॉटन में अभी क्या रहेगा? क्वार्टर में देखिए तेजी है, मैंने कल भी अखिलेश हमने डिस्कस किया था तो आप देखिए 32000 के नीचे था जो कॉटन वायदा में, अब वो भी तेज हो चुका है, आज मुझे लगता है हाजिर में भी प्राइजेस के ऊपर बाउंस बैक आते हुआ दिखाई देगा और एक्सपेक्टेड है कि 9200 तक प्राइजेस जो है वो मंडियों में सस्टेन कर सकते हैं जी। रूपा जी दर्शक जुड़े हुए हैं हमारे साथ, रूपा राम जी जिनका सवाल रिफाइंड सोया तेल को लेकर आ रहा है कि रिफाइंड सोया तेल में अभी कैसा रुझान देखने को मिलता रहेगा? रिफाइंड सोया में भी देखिए बाकी तेलों के मुकाबले ज्यादा तेजी एक्सपेक्टेड नहीं है, छुटमुट तेजी बन सकती है लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा इसके अंदर मूवमेंट एक्सपेक्टेड है, अभी बाजार जो है थोड़ा सा सीमित दायरे में रह सकता है तो रिफाइंड से थोड़ा दूरी बना के रखें, ज्यादा तेजी की उम्मीद नहीं है, छुटमुट तेजी बन सकती है, जैसे कि जनवरी वायदा की बात करें तो मैक्सिमम तेजी 1200 तक है और नीचे में 1140 तक भाव जा सकते हैं तो मुझे बहुत ज्यादा अपसाइड मोमेंटम इसमें नहीं दिखाई देता जी। रूपा जी दर्शक जुड़े हुए हैं हमारे साथ, गिरधारी राम जी जिनका सवाल मूंगफली को लेकर आ रहा है, ये जानना चाह रहे हैं मूंगफली के बाजार में अच्छी तेजी कब तक देखने को मिल सकती है? देखिए बहुत ज्यादा तेजी मूंगफली में भी एक्सपेक्टेड नहीं है क्योंकि अच्छा खासा अभी प्रोडक्शन दिखाई दे रहा है और विंटर सीजन की एक डिमांड है जो पिकअप हो सकती है और उसकी वजह से शॉर्ट टर्म रैली आ सकती है लेकिन बहुत ज्यादा अपसाइड मोमेंटम एक्सपेक्टेड नहीं है जी। रूपा जी दर्शक हैं जगदीश लाल जी जिनका सवाल कैस्टर को लेकर आ रहा है, रूपा जी हम देख रहे हैं कि कैस्टर की न्यू अराइवल्स भी आ जाएंगी अब फरवरी जनवरी में और ऊपर से अभी एक्सपोर्ट डिमांड भी इतनी कुछ खास नहीं है तो आपको क्या लगता है क्या ऐसे में हो सकता है कि कीमतें यहाँ से अभी और लुढ़क जाएं? देखिए कैस्टर अभी जो रेंज पकड़ के बैठा है उसकी 6100 से के आसपास 6000 तक है, अगर उसके नीचे लुढ़का तो डेफिनेटली प्राइजेस के अंदर ज्यादा गिरावट बढ़ सकती है जी। रूपा जी आखिरी सवाल रहेगा मेरा आपसे, आज के टॉपिक्स क्या देने जाएंगी आप जिससे आज अच्छा मुनाफा कमा के चला सकते हैं और आने वाले कारोबारी सप्ताह में भी अच्छा मुनाफा देखने को मिलता रहेगा? देखिए बिनोला खल है अखिलेश, एज यूजुअल हमेशा की तरह हमारी कमोडिटी जो है वो बिनोला खल में ही हमारा रहता है, अभी 3000 का टारगेट है वो अचीव हो सकता है आज इंट्राडे में भी और मे बी नेक्स्ट वीक में आपको ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। सेकेंडली आप ग्वार के अंदर डिप पर खरीदारी करें, आज तो ऑलरेडी मार्केट तेज है, ग्वार के अंदर भी अपना मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे सकता है, वहीं अभी आज अगर सोयाबीन गिरता है तो सोयाबीन में भी बाइंग करके चला जा सकता है जी। बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए जानकारी साझा करने के लिए, तो जैसे कि रूपा जी ने बताया ग्वार सोयाबीन बिनौला खल इन तीन कम्युनिटीज़ में आप निचले स्तर पर खरीदारी के मौके ढूंढने निचले स्तर पर खरीदारी करके चल सकते हैं और रूपा जी ने जो लेवल्स बताए हैं उनको अचीव कर सकते हैं। तो फिलहाल सिलसिला बाजारों का मैं अभी के लिए बस इतना ही,
लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यही बना रहेगा मार्केट एमसीबी पर। झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक बिग ब्लेस, बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।